हेलो एंड वेलकम बैक फ्रैंक, दिस साइड इज़ अदनान खान एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई मनी ही सीज़न 3। इसका सीज़न 1 और 2 का रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास और स्पेशल है इस वेब सीरीज़ में जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ आपको कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। पिछले दोनों ही सीज़न में इसकी कहानी को एक परफेक्ट तरीके से एंड कर दिया गया था। पिछले दोनों ही सीज़न एक साथ शूट किए गए थे और इनको 2017 में रिलीज़ कर दिया गया था और सीज़न 3 बनाने में प्रोडक्शन वालों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 में ऑलरेडी पहले ही कहानी पूरी हो चुकी थी और प्रोडक्शन वालों को नई स्क्रिप्ट पे काम करना था। यही वजह है कि इस सीज़न की शूटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा और ये 2019 में जाके कम्प्लीट हुआ और प्रोडक्शन वालों ने सीज़न 3 बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया और प्रोडक्शन वालों की मेहनत सच में सीज़न 3 में देखने को मिलती है क्योंकि सीज़न 3 सीज़न 1 और सीज़न 2 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बनाया गया है। सीज़न 3 में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है जिसका टोटल टाइम 5 से 5.5 घंटे का है। तो सवाल निकलता है, क्या आपको अपनी लाइफ के 5.5 घंटे इस शो को देने चाहिए या नहीं? तो मेरी तरफ से आपको ये शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सीज़न 3 का पेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट रखा गया है पिछले दोनों सीज़न के मुकाबले में, इसी वजह से आप इस सीज़न में बिल्कुल भी बोर नहीं होते। बात करते हैं इस सीज़न की प्लॉट की, तो इस सीज़न का प्लॉट पूरी तरीके से फोकस करता है टोक्यो और रियो पर, जहां पहली चोरी के बाद सभी टीम मेंबर अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रियो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद टोक्यो प्रोफेसर को ढूंढती है और मदद मांगती है और प्रोफेसर पूरी टीम को एक साथ इकट्ठा करते हैं और वहीं उनको बताते हैं एक और शानदार एंड माइंड ब्लोइंग चोरी का प्लान और वहीं से स्टार्ट होती है एक परफेक्ट बैंक ऑफ स्पेन रॉबरी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन पिछले दोनों सीज़न की ही तरह इस सीज़न में भी माइंड ब्लोइंग है। डायरेक्टर ने सभी करेक्टर से बहुत ही अच्छे तरीके से काम लिया है। बात करें एक्शन की, तो पिछले सीज़न के मुकाबले में इस सीज़न में एक्शन बहुत ही ज़्यादा है जो कि कहानी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। बात करें सभी करेक्टर के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सभी ने अपना बेस्ट दिया है लेकिन प्रोफेसर का कैरेक्टर और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो जाता है। इस सीज़न को देखते वक्त आप प्रोफेसर के और भी ज़्यादा फैन हो जाएंगे। बात करें ड्रामा और सस्पेंस की, तो ड्रामा पहले से भी ज़्यादा बेस्ट है और ये सीज़न आपको सस्पेंस से बार बार शॉक करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स की, कि क्रिटिक्स को ये सीज़न कितना ज़्यादा पसंद आया। तो क्रिटिक्स को ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और IMDb पे इसकी रेटिंग 8+ की है। बात करें मेरी, तो मुझे ये सीज़न पिछले दोनों सीज़न से भी ज़्यादा परफेक्ट लगा जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। मेरी रेटिंग इस सीज़न के लिए रहेगी A+ की। अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। स्मार्ट मूवीज़ वॉक चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।